और होटल का नाम है राजू महल। भैया बढ़िया रूम है, और आओ कभी यहाँ पे। जगह कौन सी नाम बताती है, जगह नाम भूल गया यार, जगह का नाम बढ़ गया। ठीक है चलो कोई नहीं, वो पीछे पीछे है ठीकरी ठीकरी। हाँ ठीकरी ठीकरी भाई ये जगह, तो आओ भाई यहाँ पे रूम लेना, बढ़िया सस्ता रूम है बिल्कुल। अरे चाय पी लेते भाई, लाइक कर दो उसको। एक ऊँट खड़ा, अरे एक ऊँट मर गया क्या? हाँ वो मर गया, दस्त लग गया, मर गया लगा। तो भाई सामने ही खड़े हैं, चाय खाते हैं। नहीं रहे हो, मतलब गोवा होके भी आ गए क्या? साहब मैं बढ़िया। आप जल्दी आ गए? बस अंदर ही ऑफिस है। अच्छा ऑफिस है, जल्दी आ गया था, आप लोग आ रहे थे तो। अच्छा, तो ऑफिस तो 10 बजे से होता है। अच्छा 10 बजे से, तो चाय पानी कुछ पीते हैं, चलो। कहाँ चल रहा है ना, चलो फिर वहीं बैठते हैं। चलो चलो जैसे डाल गए भाई, जा रहे थे हमारी वजह से रुके हुए हैं अभी तक, क्या मिलना जरूरी है। मैंने ठीक है भाई, तो अब ले जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए, जाते हैं। तो ये टिंकू कैफे, तो भाई यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं, भाई से भी मिल लेंगे, थोड़ी देर बात कर लेंगे। वाटर बॉटल आपके पास है अभी? नहीं, बोतल का क्या करना, बोतल कहाँ गिर जाएगी फिर से, दो तीन बोतल तो गिर गई, तो गिर जाती है। हमारी बोतल ही गिर जाती है। चल भाई चल चले फिर, वो भाई के साथ बाइक पे और फोटो ले लो, बाइक की भी लगा देंगे भाई का। चलो फोन लग गया क्या? तो भाई दोनों बाइक खड़ी हैं, ये देखो, ये गए थे हमारे साथ, मिले थे रस्ते में, और चलते हैं फिर अब घर की तरफ। तो ये है इंदौर सिटी, और यार चैन कवर का है ना नट ढीला हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है उससे, नट गया वो अंदर की ना चूड़ी मर गई, तो नट बार बार ढीला हो जा रहा है, तो आवाज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या बज रहा हो गाड़ी के अंदर। भैया इंदौर देखो भाई साहब, ये रात को तो मतलब मज़ा आ जाता होगा इंदौर वालों को। तो भैया किसी ने इंदौर घूमने आना हो तो रात को ज़रूर आना भाई, इंदौर में रात में नज़ारा अलग ही है, भाई ने बताया हमें, मनोज भाई है उनका नाम। तो भाई इंदौर से है 906 किलोमीटर अपना घर चंदेला गांव, जिसे बोलते हैं भाई हमारा गांव,
चंदेला भाई गांव का नाम है चंदेला, हरियाणा के भाई चंदेले वाले। आगे बारिश चालू होगी भाई, कहाँ रोकूँ इसे, यहीं रोक लेते हैं फिर चचा का, फिर होटल खाते हैं फिर भाई यहीं खाना, कहाँ लगाएं गाड़ी, यहीं लगा देता हूँ। खाना आ गया भाई, अब खा लेते हैं। तो खाना निमट गया अपना, चलते हैं फिर बाइक की तरफ। और भैया 100% वेज है ये देखिए लिखा भी है 100% वेज। कहीं आप सोचो नॉन वेज होगा, ऐसा नहीं है, 100% वेज है, दोनों ही है, मतलब ट्रक वाले भी खा लेते हैं। और मैंने बताया होगा पीछे वीडियो में, देख लेना आप। तो चलते हैं भाई अब फटाफट, फटाफट क्या आराम से चलेंगे, फटाफट की क्या जल्दी है। ये खड़ी अपनी हंटर थार के बराबर में। और भैया जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये देखो भाई इंस्टाग्राम आईडी भी अपनी और दोनों है, ठीक है। ये देखो कितना बड़ा पंखा, लाइट बनाते हैं ये लाइट, 3-4 पंखे लगे हुए हैं, उधर भी लगा हुआ है 1-2, फिर उस तरफ भी लगे हुए हैं, मतलब काफ़ी लगे हुए पंखे। और ये देखिए खूबसूरती, वाह, फोटो ले लिया जाए। यहाँ से लेंगे फोटो, समझा दे। जब मैं 2019 में आया था तो ये रोड बन रहा था उस टाइम, लेकिन बन तो गया था, लेकिन कहीं कहीं टुकड़े मतलब काम चल रहा था। ये देखो भाई सब पंखे भी लग गए हैं यहाँ पे, सब काम हो गया, मतलब रोड एकदम सही हो गया। मतलब लॉकडाउन से पहले आया था मैं यहाँ पे, जब वो गोवा गया था, आप चाहे वीडियो जाके देख सकते हो, लेकिन वीडियो ज़्यादा आपको अच्छी नहीं लगेगी क्योंकि मुझे खुद अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन भाई वो मेरा एक्सपीरियंस ज़रूर है, मुझे पता है मैंने एक्सपीरियंस इसलिए धर रखी है, ना तब तक तो डिलीट कर देता मैं इन वीडियो को, इसलिए धर रखी है कि मैंने हाँ 2019 में गया था बाइक से, वो भी सोलो राइड करी थी मैंने अकेले। चमक छल्लो हो, बनगी मैं चमक छल्लो हो, बनगी मैं चमक छल्लो हो, हो ला 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 ला। पेट्रोल डलवा लें यार, पेट्रोल हो गया कम बिल्कुल। तो तेल आया भाई 950 का, और तेल है यहाँ पे 109 रुपये 27 पैसे। तो 50 ml भाई मोबिल है, डाल देते हैं ये। किस चीज़ का भाई मेला सा है यार, मंदिर में आया लग रहा है, लग तो ऐसी रहा है। ओ भैया आराम से, और हट जाओ भैया, तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं पुत जट्टे दानी माने दानी। भीड़ देखी जरा कितनी भीड़ है यार, बाजार लग रहा शायद इसका भीड़ है, लेकिन भाई के देख तो। अरे चलो भाई चलो, ये देख भाई कहाँ खड़ा है इसे और कोई जगह नहीं मिली, बस में फुल हो रखी है। एमपी में देखो ऐसे चलते हैं ये, क्या बात है भाई। अरे अंदर जगह थी तो अंदर बैठा लेता, पीछे खड़ा हुआ लग रहा है, पैसे वैसे नहीं देता होगा इसलिए पीछे खड़ा है। हम तो दिल के दिल का धोखा देके उसे आए हैं, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, जो सबसे अलग है, लड़की जो सबसे अलग है। यहाँ कदम कदम पर लाखों हसीनाएं हैं भाई ये तो ढहुआ, यही था ना। भाई कितनी गायें मर रही है यार रास्ते में, देख रहे हो इतनी गायें मर रही हुई दिखाई मिली है, बहुत ज़्यादा। अब क्या कर सकते हैं, ब्रेक तो ले गए नहीं भाई ये भी ट्रक वाले इतनी खींच के, अचानक आगे आएगी तो भैया वो तो जाएगी, क्या कर सकते हैं उसका भी। लेकिन
लेकिन इनका भी कुछ यार सिस्टम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं मर गया है, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं, क्या करें यार बताओ। तो हम पहुंच चुके हैं भाई शिवपुरी, ये पड़ता है एमपी में। अरे चाचा कहाँ देख रहे हो, चाचा उड़ा देंगे अभी। तो ये शिवपुरी है भाई, ये शिवपुरी का शहर है देखो। और यहाँ पे भी पता नहीं हेलमेट अलाउ ही नहीं है, पता नहीं क्या है। देखो बगैर हेलमेट के पीली फिर रहे हैं, क्या चलान वलान नहीं होते करते क्या यहाँ पे बंदे को? मुझे तो यही लगता है कि चलान नहीं होता शिवपुरी में, क्योंकि काफ़ी जगह देखा मैंने हेलमेट का यूज कम है। तो चलान नहीं होते होंगे जब, इसलिए यूज है कम है। चलो सही है, इनके लिए खर्चा बच रहा है हेलमेट का इनका। तू बेखबर ऐसा खबर, जिस दिन तेरा तेरे मासूम दिल पे गौर कर, पर्दों में मैं रख लूं तुझे, ये दिल तेरा आए जाए कहीं गैर। तो भैया ये लगा रखे हैं जानवरों के लिए, तो यहाँ जानवर आ जाते होंगे ना, इसलिए जानवरों के लिए गैर ही लगा रखे हैं भाई। सही है, सेफ है भाई, लेकिन जानवर तो भाई इधर से भी आ जाएंगे, ऊपर से पहाड़ पे से कूद के, इनसे क्या रुकेगा? थोड़ा बहुत तो रुकेंगे भाई। वैसे सही भी है, अच्छा भी लग रहा है रोड ना, अच्छा भी लग रहा है इन चीज़ों से। तो भाई खाना पीना हो गया है और बज रखे हैं इस टाइम 8:55 हो गए अभी तक ये हाईवे पर। भाई साहब हमें कोई रूम नहीं मिला है, सिटी थी मतलब अंदर जाके, ग्वालियर यहाँ से थोड़ी दूरी है, मतलब 50-60 किलोमीटर रह गया है। देखते हैं वहाँ मिलता है तो ठीक है, हाँ तो भैया आज तो लग रहा है रात भर ही चलानी पड़ेगी फिर गाड़ी। तो भाई ये मिला है रूम ओयो। तो भैया ठीक है, रात के बज रहे हैं इस टाइम 10, ठीक है यार लेटने के लिए टाइम काटने के लिए सही है, वैसे भी 10 बज रहे थे। मैंने कहाँ चलेगा, ये गैलरी है और ये रूम है, सही है। चलो सोते हैं फिर।